अर्चना जी, मार्केट में एक नया गाना रिलीज होने जा रहा है. मार्केट समझती ना आप? मार्केट मार्केट कोई भी मार्केट हो, चाहे गाने की मार्केट हो, फिल्मों की मार्केट हो, अपनी दुकान चलती रहती है. बिल्कुल. हमने तो अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी देवी, 13 मिनट की फिल्म, हमने 2 घंटे का एपिसोड बनाया. अपने को अपने काम से मतलब रहने का है बॉस. तो एक नया सिंगल आ रहा है मांझा. मांझा तो आप जानते होंगे, जो डोर पे लगता है जिससे सामने वाले की पतंग काटते हैं. जैसे आपने काटी सिद्धू जी की. तो और आज इस सॉन्ग में परफॉर्म करने वाले दोनों कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम आयुष शर्मा एंड वेरी ब्यूटीफुल सई मंजरेकर. आयुष, सई, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं. थैंक यू सर. आप सब जानते हैं आयुष ने लव यात्री से जो अपना डेब्यू किया, और सई ने दबंग 3 से अपना डेब्यू किया, और उसके बाद ये दोनों अपना एक म्यूजिक वीडियो लेके आ रहे हैं मांझा, जिसका नाम है. तो आपको हमारे शो पे आने की इतनी जल्दी थी, पूरी फिल्म का वेट नहीं कर पाए आप? सर एक क्वेश्चन है. हाँ जी. आपने घर में से सलीम साहब आए यहाँ पर. हाँ. सलमान भाई आए हैं जी. अरबाज भाई आए हैं. सोहेल भाई आए हैं. हेलन आंटी भी आई हैं जी. और आई बिलीव जब सलीम साहब आए थे तो आपका शो का TRP आई थिंक 3.9 था. क्या बात थी, ओपनिंग एपिसोड था हमारा. तो जब ये शो आपका उस दिन 3.9 पे था. हाँ. क्या उस दिन आपने सोचा था कि एक दिन मैं भी यहाँ पे आऊंगा? मैंने नहीं सोचा था, पर जब सलमान भाई प्रोड्यूसर बने मुझे लगा अब तो आएंगे. सही, आप सब जानते हैं दबंग 3 से उन्होंने सलमान भाई के साथ डेब्यू किया. बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके काम को बहुत सराहा गया है. अच्छा, आपको पता है सही, आप पहली हीरोइन है जो एक ही फिल्म करके इस शो में 2 बार आ गई. नहीं तो कई हीरोइन ऐसी हैं, सारी उम्र निकल गई. हाँ. यहाँ नहीं आ पाई, वहां चाहे बैठी हुई है. ये बेटर है, बेटर है. वो भी किसी की छाती पे लात रख के आई है. आयुष, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आयत के लिए. थैंक यू. बहुत ही प्यारी हमने पिक्चर देखी थी सोशल मीडिया पे, और सबको बधाई, घर में पूरे परिवार को बधाई. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, जिस डेट पे सलमान भाई की फिल्म रिलीज होती है, कोई दूसरा प्रोड्यूसर अपनी फिल्म रिलीज नहीं करता. इन्होंने अपना बेबी रिलीज किया सेम डे पे. बेसिकली जब सलमान भाई का जन्मदिन होता है 27 दिसंबर को, उसी दिन आयत ने जन्म लिया. सो आयुष, ये बात बताइए, ये प्री प्लानिंग थी कि कोइंसिडेंस था? सर देखिए, ऐसा है कि मेरा एक और बेबी है आहिल, और हर साल उसके बर्थडे पार्टी के लिए कुछ ना कुछ एक नया तैयारी होती रहती है. हाँ. और थोड़ा बैंक बैलेंस मेरा वीक हो जाता है. हाँ. तो इस साल मैंने सोचा कि यार एक तीर से 2 निशाने. ये तो सही है. भाई का बर्थडे भी हो गया, साथ में आयत की पार्टी भी फ्री में हो गई. वेरी नाइस. अच्छा सही, पिछली बार आई थी सलमान भाई के साथ आई थी, इस बार उनके जीजा जी के साथ आई है. तो आपके खान फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे हैं, या आप जुगाड़ लड़ाती हमारे शो में आने के लिए? ये सब आपके शो में आने के लिए मैंने किया है. ओ, धन्यवाद आपके प्यार के लिए. हम अपनी तारीफ अपने आप करवा लेते हैं. आइए, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज विराजमान हो जाइए. बाय द वे सर, ये फ्रूट्स असली हैं. या हाँ, मैंने सैनिटाइजर छिड़का अभी इस पे. अच्छा, सैनिटाइजर से याद आया, सैनिटाइज जरूर करें अपने हाथों को, और अगर सैनिटाइजर नहीं अवेलेबल है तो साबुन से अपने हाथ धोएं, और स्पेशली जब आप कभी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं. अब क्योंकि एक समस्या चल रही है, ग्लोबली चल रही है, और जितना हम लोग सावधानी बरतेंगे उतना ही अच्छा है. सो गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहें. Absolutely. अच्छा, आपको एक मैं और बात बता रहा हूँ. आयुष जो है, आयुष का नाम आयुष है, इनकी वाइफ का नाम अर्पिता है, इनके बेटे का नाम अहिल है, बेटी का नाम आयत है. घर में सबके नाम ए से शुरू हो रहे हैं. तो आपको किसी ज्योतिषी ने बोला है कि या आप आलसी हैं? सर ऐसा है कि सच बात यह है कि मैं आलसी हूँ. अच्छा. तो ऐसा लंबा नाम मैं सोच नहीं सकता था कि यू नो आयुष्मान भव आहिल का नाम ऐसा हो. हाँ. तो मैंने छोटा नाम है, सिंपल है, समझ में आ जाएगा. हाँ. दूसरी बात यह कि उसमें ना मेरे घर के सामने एक बोर्ड लगा था, जो शादी के बाद आयुष और अर्पिता का घर के बाहर बोर्ड होता है ना. अच्छा. तो उसमें ए लिखा है. मुझे ऐसा खराब लगा कि मेरे बच्चों का ऐसा लगे कि मैं उनको घर पे वेलकम नहीं कर रहा हूँ. हाँ. तो मैं सबका नाम ए से कर दिया. अच्छी बात है. तो आज से वो आहिल और आयत के घर है. ये ना आयुष, लोग चलाक बड़े होते हैं, जानबूझ के मेरे को सवाल दे देते. पूछो, कई सवाल मेरे नहीं होते. अच्छा. जैसे ये सवाल मेरा नहीं है, ये दर्शकों ने दिया था. कहते कि आप शादीशुदा हैं जी, सलमान भाई कवारे हैं जी. आपको क्या लगता है किसकी लाइफ जो है ज्यादा मस्त होती है, शादीशुदा आदमी की कि कवारे आदमी की? अब दो जवाब. सर <Sir, coughs>
सर देखिए, अगर आप सलमान खान है हाँ, फिर कुवारे ठीक है और अगर आप सलमान खान नहीं है हाँ, शादी कर लो, जिंदगी बेटर है। बिल्कुल सही जवाब दिया, आप जीतते हैं हमारी तरफ से काले अंगूर। आयुष, अब तो आपकी शादी हो गई है जी, तो अर्पिता सॉरी पर वैसे ही पूछ रहा हूँ कि शादी से पहले कितनी पतंगे आपने ऐसे भिजवाई हैं? मतलब करते ना आप ये सब कुछ? सर क्या है, इस गाने का एक रीजन है, पतंगे मैंने बहुत उड़ाई। अच्छा, बट करेक्ट छत में कभी लैंड नहीं हुई। अच्छा, सो कभी किसी और के छत पे चले गई, कभी किसी आदमी के छत पे चले गई। तो मेरे को ऐसा थॉट था कि मैं गाना करना चाहता हूँ जिसमें मेरी पतंग करेक्ट जगह पे लैंड होगी। वेरी गुड, तो इसलिए गाना किया मैंने। तो जब रियल लाइफ में आपकी पतंग सही जगह पे लैंड हुई जी, आपको पता था वो सलमान खान की बहन है? पता था वैसे? सर ये मुझे उसके हाव भाव से देख के समझ में आ गया था कुछ तो कनेक्शन है। फिर भी आपकी हिम्मत कैसे हुई? सर एक्चुअली क्या है कि एक आपको एक फनी किस्सा बताता हूँ जी। अर्पिता में स्टार्ट में कुछ फिगर आउट कर रहे थे। अच्छा, तो अर्पिता की मॉम को बताते थे कि यू नो आई लाइक योर डॉटर, उन्होंने बताया था कि आई लाइक आयुष, बट ये बात सलमान भाई को नहीं पता थी। अच्छा, तो एक दिन उन्होंने मेरे को, वैसे हम पार्टी में थे, उन्होंने बोला कि यार एक बज रहे हैं, घर पे पिक्चर देख लेते हैं, दो तीन दोस्त और आ रहे हैं। मैंने कहा यार घर पे जाऊंगा तो लेट अजीब लगेगा, एक बजे या प्लस भाई अगर देख लिए तो। कहते नहीं भाई कर्जत में है, डोंट वरी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, बाकी दोस्त आ रहे हैं। और मैंने कहा मॉम डैड कहते एक बजे गैलेक्सी का मतलब है कि 10 बज रहे हैं, सब जागे हैं। सर मैं घुस रहा था बिल्डिंग में, एक बिल्ली ने मुझे म्याऊं किया। अच्छा, मेरे दिल ने कुछ कनेक्शन दिया कि कुछ बिल्ली कहना चाहती है मुझे। अच्छा, मैंने उस बिल्ली की बात को सीरियसली नहीं लिया। मैं ऊपर गया और कुछ 15 मिनट हम लोग टीवी देख रहे थे और एक चैट शो चल रहा था जहाँ पे सलमान भाई की बात हुई। अच्छा, और यहाँ पे टीवी है और यहाँ से सलमान भाई की सडनली एंट्री होती है। अच्छा, गुड गॉड, और यहाँ वो खड़े हैं, उनके पीछे मैं खड़ा हूँ और उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है। अच्छा सर, ट्रस्ट मी, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैं अपने को दीवार में से पीछे खड़ा हुआ था कि अब क्या करूं क्या करूं, क्योंकि बाकी दोस्त तो आए नहीं, आज पक्का मार पीटेगी। और उसे कुछ दिन पहले मैंने वो पिक्चर देखी थी, प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा तो मैं कैरेक्टर में था तो जैसे वो मुड़े मैंने उनको बोला हाय सर, आई आयुष। तो उन्होंने कहा आई आई एम सलमान। मैंने कहा वो मुझे पता है तो वो चले गए और उन्होंने अगले दिन जाके मम्मी को पूछा कि अर्पिता ने मुझे लड़के से ना, मम्मी को लगा अर्पिता ने सब कुछ सच सच बता दिया उनको। अच्छा, तो अर्पिता ने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, मम्मी ने सब कुछ सच सच बता दिया और आज भी वो बिल्ली उधर ही है अपने बच्चों के साथ। अच्छा सही का, हमने इंस्टाग्राम देखा आपका। हाँ, फॉलो किया? फॉलो मैं अभी करूंगा, फॉलो भी बकायदा। ठीक है, तो मैंने देखा सही ने ना बहुत सारे घोड़ों के साथ फोटो डाली हुई थी। हाँ, तो मैं पहले दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये क्या कर रही है सही, आप उसके कान में कुछ बोल रही है? सो स्वीट। पहले तो मैंने जब अकाउंट देखा मुझे लगा अकाउंट जो घोड़े का है उसने सही के साथ फोटो खिंचवाई हुई है। अच्छा, और एक जोरदार तालियां इनके लिए। हेलो विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैनिटाइज लेके आइए। ये देखिए हम अपने दर्शकों को उत्साहित कर रहे हैं, सैनिटाइज लगाइए। और ये अगर आप 2 मिनट और लेट हो जाते ये आदमी सारा क्रेडिट ले गया था गाने का। पर बड़ी खूबसूरत आवाज की जोरदार तालियां। मेरा एक क्वेश्चन है विशाल से, भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर? भाई मुझे बताया नहीं, मांझा प्रमोट हो रहा है और मुझे ही नहीं बुलाया, तो मुझे किसी ने बाहर बोला। अच्छा, कि आज मांझा का प्रमोशन हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसे तो मैं तेरे स्टूडियो से रात को छुप छुप के निकला हूँ कि यहाँ पर प्रमोशन में आ सकूं, थोड़ा क्रेडिट ले लूं। क्या है यार, जोरदार तालियां विशाल के लिए। आइए विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खूबसूरत बात कही एक्चुअली ना, ये तो ये होता ना कि जब आपका प्यार हो गया उसके बाद क्या, अभी शादी होगी और क्या होगा, लेकिन जब तक लड़का लड़की वो होता था ना कि लड़की ने हाँ बोला नहीं अभी तक, वो जो बीच का मजा था ना, वो उसका बड़ा मजा आता था। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।